वाशी मिनी शिशोर परिसर में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के साथ ही उभरते कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाने के मकसद से पिछले 8 सालों से कांग्रेस की नगर सेविका प्रणाली लाड़ और पूर्व नगर सेवक अविनाश लाड़ के नेतृत्व में नवी मुंबई पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चौपाटी फेस्टिवल का जोरदार आयोजन किया जाता रहा है। इस साल आयोजित चौपाटी फेस्टिवल 2014 का जोशो खरोश के साथ उद्घाटन सम्पन्न हुआ। तैरते रंगमंच को लेकर पूरे नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में मशहूर इस फेस्टिवल का शुभारंभ ज्येष्ठ समाज सेविका सिंधुताई सकपाल और विधान परिषद सदस्य भाई जगताप की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जहां उनके साथ नवी मुंबई कांग्रेस जिलाध्यक्ष दशरथ भगत, नवी मुंबई के पूर्व उप महापौर अनिल कौशिक, कांग्रेस की नगर सेविका प्राणी लाड़ और पूर्व नगर सेवक अविनाश लाड़, प्रभाग के नागरिक और महिला बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस भव्य चौपाटी फेस्टिवल की शुरुआत उपस्थित मान्यवरों समेत तमाम नागरिकों ने गंगा आरती करके की और इसके उपरांत आसमान में गुब्बारे छोड़कर इस चौपाटी फेस्टिवल को और रंगीन कर दिया गया। फेस्टिवल में खास तौर पर उपस्थित समाज सेविका सिंधुताई सकपाल ने सभी के समक्ष अपने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव एक व्याख्यान के जरिए कथित किया। उनके संघर्षमय जीवन के व्याख्यान से यहां पर उपस्थित नागरिक काफी भावुक उठे। हर साल कांग्रेस की नगर सेविका प्राली लाड़ और पूर्व नगर सेवक अविनाश लाड़ समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए अपना योगदान देते आ रहे हैं। इस साल समाज सेविका सिंधुताई सकपाल को उनके अनाथालय के लिए 50,000 रुपयों का धनादेश देकर आर्थिक सहायता की गई। वहीं हर वर्ष की तरह इस साल भी उन्होंने आदिवासी विद्यार्थी दत्तक योजना के तहत रैयत शिक्षण संस्था को भी 50,000 का धनादेश सुपुर्द किया। पत्रकारों से बात करते हुए सिंधुताई सकपाल ने इस महोत्सव की सराहना करते हुए महिलाओं को महिलाओं के लिए जिंदगी जीने की अपील की। वेगळं वाटलं रे, वेगळं वाटलं, पाण्यावरचा महाल पाहिला। महिलांनी जगलं पाहिजे बेटा, महिलांनी महिलांची गरज आहे। एक महिला वजा केली देशात काही नाही। मायने मरून चालत नसतं बेटा, महिला बळ यावं म्हणून माई जगते रे, मायने जगलं पाहिजे बेटा। वही विधान परिषद सदस्य भाई जगताप ने इस फेस्टिवल के माध्यम से आयोजक नगर सेविका प्राणी लाड़ और अविनाश लाड़ के कार्यों की सराहना की। संधी कोणाला एकदा मिळते, परंतु त्या संधीचं सोनं जे करायचं काम फार कमी लोकांना समजतं। ते प्रणाली ने केलं, त्याच्या अगोदर अविनाश ने केलं, आणि आज जर सगळ्यात मोठी गोष्ट फक्त या वॉर्ड पुरती मर्यादित नाही, तर नवी मुंबईच्या आणि मुंबईमधल्या आलेल्या सगळ्या भारतीय आणि महाराष्ट्रीय समाजाला त्यांनी जो एक वैचारिक एक ठेवा जो दिला, जो माईच्या रूपाने, की त्याच्यामध्ये त्यांनी जो संदेश दिला, आयुष्यामध्ये किती प्रसंग येऊ दे, त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याच्यातून पार पडायचं आहे। वहीं इस चौपाटी फेस्टिवल की अधिक जानकारी देते हुए पूर्व नगर सेवक अविनाश लाड़ ने कहा कि सिंधुताई सकपाल के यहां आने से चौपाटी फेस्टिवल की शोभा और बढ़ी है। आज खऱ्या अर्थाने माझ्या चौपाटी फेस्टिवल चा आज आम्ही धन्य झालो। हे जे आम्ही कार्यक्रम करतोय, गेली 7-8 वर्ष चौपाटी फेस्टिवल आयोजित करतोय, पण आज सिंधुताई आल्याने आमच्या कार्यक्रमाची खरोखर शोभा वाढलेली आहे। आणि त्यांची माय म्हणून जी पक्क्या महाराष्ट्रात ना देशामध्ये विदेशामध्ये फेमस आहे, पण तिने तिचे जे व्यथा तिने काय अडचणीवर केलेली मात आज लोकांनी स्वतः अनुभवली, त्यामुळे लोकांच्या मनावर जो अंगावर जो काटा उभारला, त्यातून त्या अडचणीवर कशी मात करायची, स्फूर्ती घेऊन आज माझे लोक इथनं जाणार आहेत, त्यामुळे आज मी खरोखर धन्य झालो।
वहीं सिंधुताई सकपाल के इस व्याख्यान से नगर सेविका प्रणाली लाड भी काफी प्रभावित होती नजर आई। दर वर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील आम्ही चौपाटी फेस्टिवल आयोजित केलेला आणि या वर्षी आम्ही सिंधुताई सकपाल यांना इथे इनव्हाइट केलेला आणि त्यांनी सगळ्यांना एवढं इन्स्पिरेशनल हे दिले त्यांचं सांगणं आणि त्यांनी जे कठीण परिस्थितीमधून जे स्वतःला सावरलं आणि दुसऱ्यांना जे पाठिंबा वगैरे ते देतात मग ते सगळं त्यांनी इथे आमच्या लोकांमध्ये ते शेअर केलं त्यांचं एक्सपिरियन्स आणि त्याच्यामधून आम्हाला खूप बरं काही शिकायला मिळालं त्याच्यासाठी आम्ही त्यांचे खूप आभारी आहोत। इस दो दिवसीय चौपाटी फेस्टिवल में महिला बचत गटों के लिए मुफ्त स्टॉल्स भी उपलब्ध करवाए गए थे जहां पर कई खाद्य पदार्थों का फेस्टिवल में आने वाले लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। कोई ना पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने भूखों से